अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहज़ाद और आप देख रहे हो उर्दू ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गोल सीक फंक्शन को जानने वाले हैं कि ये फंक्शन क्या है और कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा फार्मेट बनाया हुआ है जिसमें मैंने नेम लिखा हुआ है और इसकी वेजेस यानी कि इसकी सैलरी पर डे के हिसाब से लिखी हुई है और आगे डेज लिखे हुए हैं कितने दिन इसने काम किया और आगे उसकी टोटल वैल्यू मुझे नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, गोल सीक बेसिकली ये काम करता है। फ़र्ज़ करें मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ इसकी जो टोटल सैलरी है ना या इसकी टोटल वेजेस है और ये डेज़ लिखे हुए हैं, तो इसकी टोटल जो सैलरी बनती है वो 20,000 बनती है, ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ कि इस शख्स को 22,000 रुपए दिए जाएं। तो 22,000 दिए जाने पर इसकी जो पर डे की जो वेजेस है, सैलरी है, वो कितनी बनेगी, ठीक है जी। गोल सीक फंक्शन इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि इस वैल्यू को, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, आप किसी भी दूसरी जगह पे इसको आप फिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो मैं चाहता हूँ कि इसको 22,000 रुपए दिए जाएं और यहाँ जो वेजेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए कि कितनी वेजेस जो पर डे के हिसाब से है वो इसको देना पड़ेगी। तो इसके लिए गोल सीक का इस्तेमाल करते हैं। तो चलें जी, तो फिर गोल सीक का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। तो गोल सीक को इस्तेमाल करने के लिए आपने सिंपली डाटा वाले टैब पर क्लिक करना है और उसके बाद व्हाट इफ़ एनालिसिस वाली ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको गोल सीक वाली ऑप्शन देखने को मिलेगी, उस पर आप क्लिक कर लें, ठीक है जी। तो आपने जो टोटल सैलरी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ये देखें जी, लिखा हुआ है सेट सेल, यानी कि उस सेट को मैंने सेल को सेट कर दिया और उसके बाद टोटल वैल्यू यानी कि कितनी तनख्वाह आप उसे देना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसको 22,000 रुपये दिए जाएं, तो मैं इधर 22,000 रुपये लिख दूंगा, ठीक है जी। और उसके बाद है बाई चेंजिंग सेल, किस सेल में आप चेंजिंग करना चाहते हैं। तो ज़ाहरी बात है कि मैं इस वेजेस वाले सेल में चेंजिंग करना चाहता हूं और मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि पर डे उसको कितनी मैं सैलरी दूँ तो वो उसके टोटल 22,000 हो जाएँ। तो मैं सिंपली इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से मैं इसको यूं ही ओके करेंगा तो आप देखेंगे कि इधर जो वेजेस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और इधर 22,000 आ जाएगा। तो ये देखें जी, मैंने उसको ओके किया और ये देखें जी, उसने ख़ुद ही मुझे बता दिया कि आप इसको पर डे के हिसाब से 880 रुपये देंगे तो इसकी जो टोटल सैलरी है वो 22,000 ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, बेसिकली गोल सीक जो है वो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि गोल सीक को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप इसी तरह की और वीडियोस जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो काइंडली उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।